हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर मेरे यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि जो प्रोविजनल मेरिट लिस्ट आज निकली है उसके बारे में आपको बताऊंगा, और रीडॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन का लिंक भी रीओपन हो चुका है। तो जिसकी कोई मेरिट लिस्ट में आपका नाम नहीं आया, तो आप किसी के डॉक्यूमेंट्स इनकम्प्लीट थे, तो आप दोबारा से अपने डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करवा सकते हैं। उनके लिए आपको 2 दिन दिए गए हैं। तो आइए मैं आपको दिखाता हूँ आप कैसे अपने मेरिट लिस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। सबसे पहले आपको टाइप करना होगा AICTE, यहाँ पर उनकी ऑफिशियल वेबसाइट AICTE-JK-Scholarship-GOV.in, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे मैं ये डायरेक्ट खुल गया, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊँगा। आपको सिंपल AICTE टाइप करना है, यहाँ पे फर्स्ट पे ही आपको ये दिखेगी वेबसाइट, इनकी ऑफिशियल वेबसाइट जो है यहाँ पे, इस पे आपको क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपको इस तरीके से खुलेगा। यहाँ पे नीचे आपको दिखाएगा PM SSS JNK, इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपको नीचे ऑप्शन आएगा, यहाँ पे बहुत सारे बैच हैं, मतलब जो आपका बैच है उस पर आप क्लिक करना है 2019-20। तो इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे एक तो हाईलाइट हो रही है नोटिफिकेशन, यहाँ पे देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे हाईलाइट हो रही है यहाँ पे, और यहाँ पे ये देखिए हाईलाइट्स मारे डॉक्यूमेंट्स री वेरीफिकेशन प्रोसेस फॉर द करेक्शन अगेंस्ट प्रोविजनल मेरिट लिस्ट विल स्टार्ट फ्रॉम 6 June-8 June 2019 एट रिस्पेक्टिव। आपने अभी तक आपने डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई नहीं किए, मतलब आपका प्रोविजनल मेरिट लिस्ट में आपका नाम नहीं है किसी डॉक्यूमेंट्स की वजह से, कि आपके डॉक्यूमेंट्स इनकम्प्लीट थे, या आपको बताया गया उन्होंने कि आप अपने डॉक्यूमेंट्स रीवेरीफाई करवाए हैं, तो आपके लिए वो उन्होंने 2 डेट दी हुई हैं, मतलब 2 दिन दिए हुए हैं, 6 जून से लेके 8 जून तक आप उसमें आपने करवा सकते हैं। तो आपका जो मतलब नाम है फिर वो दूसरी मेरिट लिस्ट में आ सकते, 2 मेरिट लिस्ट निकलती हैं। इस बार उन्होंने कुछ अलग प्रोसेस किया हुआ है। सबसे पहले चॉइस फिलिंग का ऑप्शन नहीं आता था, और सबसे पहले आता था ये प्रोविजनल मेरिट लिस्ट, उसके बाद एक और मेरिट लिस्ट आती थी, उसके बाद आप अपने कॉलेज सेलेक्ट कर सकते थे। इन्होंने इस बार पहले ही कर चुका है, और यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ प्रोविजनल मेरिट लिस्ट में। यहाँ पे क्लिक करने के बाद इस प्रोविजनल मेरिट लिस्ट का मतलब ये है कि मतलब ये इसमें कौन कौन से स्टूडेंट एलिजिबल है, मतलब किस किस की जो डिटेल है वो मतलब वेरीफाई कर चुके हैं, मतलब इसी ने एक्सेप्ट कर दिया कि ये स्टूडेंट एलिजिबल है इस स्कॉलरशिप के लिए, तो उसके बाद ही मेरिट लिस्ट बनेगी। देखिए यहाँ पे एक नंबर है, यहाँ पे लड़का है, लड़की है, ये हिदा नूर यहाँ पे है जो ये लड़की, देखिए यहाँ पे उनकी स्टूडेंट आईडी भी दी हुई है, यहाँ पे नाम भी दिया है, मेरिट लिस्ट भी दी हुई है यहाँ पे, और इसकी देखिए परसेंटेज, यहाँ पे आपको मार्कशीट देनी है, और ईयर ऑफ पासिंग भी यहाँ पे दी हुई है, यहाँ पे देखिए यहाँ पे दिया हुआ है इनका, ये कश्मीर के हैं। देखिए यहाँ पे 493 नंबर हैं इस पर, आई थिंक यही टॉपर होगी इस बार शायद JK बॉस की, कश्मीर डिवीजन की। और ये है दूसरा टाव, जो दूसरा है, दूसरी भी लड़की है उसके 491 है, तीसरा लड़का है, यहाँ पे दिया उन्होंने मार्क्स के हिसाब से आपकी जो मेरिट बनता है इसमें। तो यहाँ पे देखिए टोटल स्टूडेंट्स जो हैं कितने हैं, मैं आपको बताता हूँ टोटल स्टूडेंट्स जिनने भी फॉर्म अप्लाई किया है, मतलब जो स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल हैं अभी तक, तो टोटल स्टूडेंट जो हैं वो 14,139 स्टूडेंट हैं, और जो लास्ट स्टूडेंट है वो ST कैटेगरी से है। तो इसके जो मतलब लास्ट की पर जो इसकी जो नंबर थे वो 185 नंबर हैं, 185 नंबर हैं, ये भी कश्मीर डिवीज़न के हैं, आई थिंक ये कश्मीर डिवीज़न का एज नहीं, कश्मीर डिवीज़न का तो ये नहीं है, एज मतलब ये होता है इनका एनुअल रेगुलर होता है शायद। तो ये थी आपकी जो मेरिट मतलब प्रोविजनल मेरिट लिस्ट, इसके बाद आपकी मेरिट लिस्ट आएगी एक और, उसमें भी यही सेम नाम होंगे, सबके सेम नाम होंगे, और उसमें क्या पता कुछ एडिट मतलब कुछ नाम एक्स्ट्रा भी होंगे जिनका फर्स्ट मेरिट लिस्ट इसमें प्रोविजनल मेरिट लिस्ट में नहीं आया डॉक्यूमेंट्स के लिए, उनको रीवेरीफाई करवाने हैं डॉक्यूमेंट्स, उसके बाद उनका नाम भी आएगा उस मेरिट लिस्ट में। आपको डरने की बात नहीं है, आपका मेरिट में नाम आ जाएगा। तो उसके बाद मैं आपको जो मैं अपने बैच की बात करता हूँ, आपके बैच में टोटल स्टूडेंट हैं 14,139 है, और जो हमारा बैच था 2017 से 18 उसमें थे टोटल स्टूडेंट्स 24, इसका डबल मतलब डबल तो नहीं,
24,000 कुछ स्टूडेंट थे, मतलब ऐसे कुछ स्टूडेंट्स थे, 24,000 से ज़्यादा स्टूडेंट्स थे जो जब हमारा बैच था उसमें 24,000 स्टूडेंट्स थे। और उसके बाद मैं आपको वो दिखाता हूँ उनके जो नोटिफिकेशन दी है, मैं इसके लिए सीधा टाइप कर सकता हूँ JK स्कॉलरशिप। JK स्कॉलरशिप में भी डायरेक्ट यहाँ पर क्लिक करता हूँ, देखिए यहाँ पे उन्होंने दिया हुआ है, यहाँ पे डॉक्यूमेंट रीवेरिफिकेशन का मतलब ये हाई उन्होंने निकाली है। यहाँ पे भी आपको मैं बता देता हूँ, यहाँ पे ये देख लीजिएगा, डॉक्यूमेंट रीवेरिफिकेशन प्रोसेस फॉर करेक्शन अगेंस्ट प्रोविजनल मेरिट लिस्ट विल स्टार्ट फ्रॉम 6 जून टू 8 जून 2000। आप मतलब इन्हें 2 दिन के लिए निकाला हुआ है, आप अपने डॉक्यूमेंट्स रीवेरीफाई करवा सकते हैं जिसका प्रोविजनल मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आया है। तो फ्रेंड्स बहुत सारे स्टूडेंट पूछ रहे थे कि नाम कैसे आएगा, हम मतलब कैसे पता चलेगा हमारी सीट, आपको सिंपल अपनी यहाँ पे स्टूडेंट आईडी या ईमेल आईडी आपको लॉगिन करनी है, उसके बाद आपको यहाँ पे पासवर्ड एंटर करके कैप्चा कोड डालना है और आपको उधर आपको आपकी डिटेल खुलेगी वहाँ पे, मतलब आपका जैसे ही आपकी अगर सीट कंफर्म हुई होगी तो आपको एक कंफर्मेशन लेटर आएगा, आपको सीट फ्री, आपको कॉलेज का नाम दिया जाएगा, ब्रांच दी जाएगी कौन सी ब्रांच क्या है और स्टेट दी वगैरह दी जाएगी और एक लेटर होगा उसमें, तो आपको वहाँ पे फ्रीज़ का ऑप्शन आएगा कि आपको अगर ये सीट पसंद है तो आप इसे फ्रीज़ करें, तो आप उसको फ्रीज़ कर दीजिएगा। उसके बाद आपको एक अलॉटमेंट लेटर मिलेगा PM AAC की तरफ से, वो आपको कॉलेज में देना होता है और एक दो फोटोकॉपी अपने पास रखना या PDF वो आगे काम भी आता है तो वो कॉलेज में देना, मतलब वो आपका एडमिशन हो चुकी होती है, आपको सिर्फ कॉलेज में जाके उसको देना होता है, ज्वाइनिंग रिपोर्ट अपलोड करनी होती है। तो फ्रेंड्स ये थी आज की वीडियो, तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जब कोई नया अपडेट मिलेगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाएं ताकि आपको मेरी लेटेस्ट वीडियो की अपडेट मिलती रहे। और फ्रेंड्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मैं इस वेबसाइट का लिंक दे दूंगा, मेरिट लिस्ट को डाउनलोड करने का लिंक भी दे दूंगा और अपने फेसबुक का लिंक भी दे दूंगा ताकि आपको कम्युनिकेशन के लिए आसानी रहेगी। और कमेंट तो ज़रूर कीजिएगा कोई भी क्वेश्चन हो आपका, और वीडियो को लाइक कराना बोलें और शेयर करें अपने व्हाट्सएप ग्रुप में ताकि आपके फ्रेंड्स को भी पता चले किसी को दिक्कत आ रही है, बहुत सारे स्टूडेंट्स को दिक्कत आ रही है कि किसी को कन्फ्यूजन है, बहुत सारे स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन है, तो आप प्लीज़ उन्हें शेयर करके बता सकते हैं। और फिर अगर मेरे को मतलब मन करता है फिर ज़्यादा व्यू आ गए तो मेरे को भी मन करता है कि नेक्स्ट वीडियो बनाऊँ स्टूडेंट के लिए, अच्छा रहता है, तो इसलिए आप प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करें ज़रूर और कमेंट करना ना भूलें कोई भी क्वेश्चन हो आपका। धन्यवाद।